श्री शनेश्वर देव स्थान के अनुसार शनि देव जन्म की कथा उत्पत्ति के संदर्भ में अलग अलग कथा है। सबसे अधिक प्रचलित शनि उत्पत्ति की गाथा स्कंद पुराण के काशी खंड में इस प्रकार प्रस्तुत है। सूर्य देवता का ब्याह दक्ष कन्या संज्ञा के साथ हुआ। संज्ञा सूर्य देवता का अत्यधिक तेज सह नहीं पाती थी। उन्हें लगता था कि मुझे तपस्या करके अपने तेज को बढ़ाना होगा या तपोबल से सूर्य की अग्नि को कम करना होगा। लेकिन सूर्य के लिए वो पतिव्रता नारी थी। सूर्य के द्वारा संज्ञा के गर्भ से 3 संतानों का जन्म हुआ। वे स्वतमनु, यमराज, यमुना, संज्ञा बच्चों से बहुत प्यार करती थी, मगर सूर्य के तेजस्वीता के कारण बहुत परेशान थी। एक दिन संज्ञा ने सोचा, सूर्य से अलग होकर मैं अपने मायके जाकर घोर तपस्या करूंगी, और यदि विरोध हुआ तो कहीं दूर एकांत में जाकर तप करना उचित होगा। संज्ञा ने तपोबल से अपने ही जैसे दिखने वाली छाया को जन्म दिया। उसका नाम स्वर्णा रखा। अतः संज्ञा की छाया स्वर्णा छाया को अपने बच्चों की जिम्मेदारी सौंपते हुए कहा कि आज से नारी धर्म मेरे स्थान पर तुम निभाओगी और बच्चों की परवरिश करोगी। अगर कोई आपत्ति आ जाए तो मुझे बुला लेना, मैं दौड़ी चली आऊंगी। मगर एक बात का ध्यान रखना, तुम छाया हो, संज्ञा नहीं। ये भेद कभी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। संज्ञा छाया को अपनी जिम्मेदारी सौंपकर अपने पीहर वापस चली गई। घर पहुंचकर पिताश्री को बताया कि मैं सूर्य के तेज को सहन नहीं कर सकती, अतः तप करने अपने पति से बिना कुछ कहे मायके आई हूं। सुनकर पिता ने संज्ञा को बहुत डांटा, कहा कि बिन बुलाए बेटी यदि मायके आए तो पिता व पुत्री दोनों को दोष लगता है। बेटी, तुम जल्द अपने ससुराल वापस सूर्य के पास चली जाओ। अतः संज्ञा सोचने लगी, यदि मैं वापस लौट कर गई तो छाया को जो मैंने कार्यभार सौंपा है उसका क्या होगा? छाया कहाँ जाएगी? यह सोचकर संज्ञा ने भीषण घनघोर जंगल में शरण ले ली। अपनी खूबसूरती तथा यौवन को लेकर उसे जंगल में रहने का डर था, अतः उसने बड़वा घोड़ी का रूप धर लिया जिससे कोई उसे पहचान न सके और तप करने लगी। इधर सूर्य तथा छाया ने मिलन से 3 बच्चों का जन्म हुआ। सूर्य छाया दोनों एक दूसरे पर संतुष्ट थे। सूर्य को कभी संदेह नहीं हुआ। छाया ने जिन 3 बच्चों को जन्म दिया वे हैं मनु, शनिदेव, पुत्री भद्रा। दूसरी कथा के अनुसार शनिदेव की उत्पत्ति महर्षि कश्यप के यज्ञ से हुई। जब शनिदेव छाया के गर्भ में थे तो शिव भक्तनी छाया ने शिव की इतनी तपस्या की कि उन्हें खाने पीने तक का ख्याल नहीं रहता था। अपने को इतना तपाया कि गर्भ के बच्चे पर भी तप का परिणाम हुआ और छाया के भूखे प्यासे धूप गर्मी में तपन से गर्भ में ही शनि का रंग काला हो गया। जब शनि का जन्म हुआ तो सूर्यदेव शनि के काले रंग को देखकर हैरान हो गए। उन्हें छाया पर शक हुआ। उन्होंने छाया का अपमान कर डाला, कहा कि यह बेटा मेरा नहीं है। श्री शनि देव के अंदर जन्म से ही माँ की तपस्या शक्ति का बल था। उन्होंने देखा कि मेरे पिता माँ का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने क्रूर दृष्टि से अपने पिता को देखा तो पिता की पूरी देह का रंग काला हो गया। घोड़ों की चाल रुक गई, रथ आगे नहीं चल सका। सूर्यदेव परेशान होकर शिवजी को पुकारने लगे। शिवजी ने सूर्य को बताया और कहा कि आपके द्वारा नारी व पुत्र दोनों की बेइज्जती हुई है, इसीलिए यह दोष लगा है। सूर्यदेव ने अपनी गलती की क्षमा मांगी और पुनः सुंदर रूप एवं घोड़ों को गति प्राप्त हुई। तब से श्री शनि देव पिता के विद्रोही
और शिव जी के भक्त तथा माता के प्रिय हो गए। हमारे जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक शनि देव का प्रभुत्व है। जन्मते ही जातक के परिवार वालों की अभिलाषा होती है कि हमारे राशि में या जन्म लेने वाले बच्चे की राशि में शनि कैसा है, कौन से पाए पर बच्चे का जन्म हुआ है। प्रस्तुत पाए के पहचान से शनि के अच्छे बुरे होने की पहचान जन्म से बतलाता है। अपने शरीर में लोह तत्व है, उस आयरन तत्व की का स्वामी शनि है। शनि के कमजोर होने से, शनि के प्रकोप से, शनि पीड़ा से वह आयरन तत्व शरीर में कम हो जाता है। शनि जिनका प्रबल है उन्हें आयरन की परेशानी कभी नहीं होती। यह थी शनि जन्म की कथा। अन्य कथाएं जानने के लिए हमारा चैनल आनंद शास्त्र सब्सक्राइब करें।